Cormier. बस यहां पे रोक दो, एक मिनट। हाँ कॉम्बी, बस अभी घर पहुंचे। कम से कम एक टंटा तो खत्म हुआ, तू तो छूट के घर आ गया। कॉम्बी, भाभी का कुछ पता चला? कुछ नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहे। एक छोटी सी बच्ची के साथ इन्होंने धरा का पोस्टर लगा दिया। धरा कभी भी किसी की बच्ची को चुरा नहीं सकती है। कब से मैं इनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने धरा को किसी बच्ची के साथ देखा है। अब होगा। मैं बस यहाँ MG रोड थाने से निकल रहा हूँ। ये लोग भी धरा को ढूंढ रहे हैं, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी धरा। दुनिया भर के लोगों को दिख रही है, कभी सदर बाजार में, कभी सराफा बाजार में, बस एक मुझे ही नहीं दिख रही है। आप ना फिक्र मत करो गंभीर, महाकाल की कसम सुबह होने के पहले ना भाभी घर पे होगी और हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मुझे पता है भाई कि तू सब कुछ संभाल लेगा। अच्छा सुन, मेरी माँ से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने बताया कि रावी का कुछ पता नहीं चल रहा है। गोम्बी उसका नाम मत लो, ये रावी रावी ना बस हो गया मेरे लिए। मेरा ना उसका नाम सुन के खून खौलता है। पागल मत बन शिवा, तू रावी को बचपन से जानता है ना, माना उसने तुझे गुस्से में जेल पहुंचा दिया हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुझे छुड़वाने ना आए। हम सबका ध्यान यहाँ धरा में लगा हुआ है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना हो। भाई मामी उसके भोलेपन का फायदा तो नहीं उठा रही है। भोली? आपको अभी भी वो भोली लग रही है? अरे गोम्बी, भाभी के साथ इतना गलत किया उसने और आप बोल रहे हो कि वो भोली है? मुझे रावी पे पूरा भरोसा है, उसे किसी चीज में फंसाया गया है। गोम्बी, रिश, तू आ गया? रिश आ गया। चलो अच्छा है गोम्बी, अपना तीनों भाई मिलके भाभी को ढूंढेंगे और उन्हें घर लेके आएंगे, ठीक है? शिवा, मेरे लिए मेरे परिवार का हर एक सदस्य इंपॉर्टेंट है। अगर तूने कसम खाई है कि तू सुबह तक धरा को ढूंढेगा, तो मैं भी महाकाल की कसम खाता हूँ कि मुझे मेरा पूरा परिवार सुबह तक इकट्ठा देखना है और उसके लिए रावी को ढूंढना जरूरी है। गोम्बी, हाल क्या कह रहा था गोम्बी? माँ वो कुछ नहीं, मैं गोम्बी के पास जा रहा हूँ। माँ तू घर पे जा, मैं आता हूँ। अब कहाँ जा रहा है और डंडा लेके कहाँ जा रहा है? उस रावी के पास। गोम्बी बहुत उसे परिवार का हिस्सा बोलते हैं ना, जो मेरे साथ किया किया, जो भाभी के साथ किया ना बहुत गलत किया, उसका जवाब लेने जा रहा हूं। ए, क्या कहा गोम्बी ने? है परेशान कर दिया, अभी जेल से छुड़ा के लाई, अभी वापस जाके कुछ पंगा करेगा। परेशान कर दिया है मेरे बच्चों को। तो मुझे खिचड़ी घर में तो कोई है नहीं, फिर खिचड़ी किसने बनाई? अरे यार क्या हो रहा है इस घर में? नहीं नहीं रिश्ता, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? धूप से गर्म हो गई होगी। हाँ धूप से होगी। पुलिस कभी भी आती होगी। संकी बेटा, मतलब
अरे तूने उसके खिलाफ जो बयान दिया था वो बदल दिया क्या भाई? और मैं आ गया। तुम लोग की बैंड बजाने हैं। थोड़ा खाना कम का, बहुत कुछ लाया तुझे खिलाने। ए शिवा, ए डरा किसको रहा है तू? किसको डरा रहा है? चल दूर जा, दूर दूर जा तू मेरे से, दूर जा, दूर जा। तेरे पास आने का शौक किसी को नहीं है? अच्छे से पूछूंगा, जवाब देगी तो ठीक, वरना सब कुछ तोड़ के जाऊंगा। चल बता रावी कहाँ है। रावी? अरे भाई मुझको क्या पता रावी कहाँ है? मैं भी तो रावी को ढूंढ रही हूँ, मेरे को नहीं पता रावी किधर है। नहीं पता? नहीं पता? जीता अब बोल, पता है रावी कहाँ है? नहीं पता ना? अब तू देख, इस घर में सब कुछ तोड़ के निकलूंगा। रावी, बाहर निकल, बाहर निकल। रावी, बाहर निकल। और ये जंगली सांड तो पागल हो गया है भाई। वो पागल हो गया? आप तो पागल हो रही हो। बता दो ना रावी कहाँ है, पता नहीं कितनी तोड़फोड़ मचा रहा है। अरे चंपक, अरे मुझको क्या पता रावी कहाँ है? मेरे को पता होता तो मैं नहीं ढूंढ लेती उसको। मुझे नहीं पता भाई। फूई को नहीं पता है रावी कहाँ है, सच बोल रहे हैं, वो भी सच बोल रही है, मैं भी सच बोल रही हूँ। ये सच वर्ष सब ना तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, चुप बैठ तू। मामी चुपचाप बता रावी का है। अरे भाई तूने सुना नहीं, लड़की क्या बोल रही है? मुझे सच में नहीं पता रावी का है, वो घर पे नहीं है भाई। अभी आता है, देखो कहे अपनी बहन को छुपा मत, सच बोल। मैं उसे छुपाऊंगी और बचाऊंगी क्यों? पहले मैं खुद को बचाऊंगी ना। सुन, हमें नहीं पता है वो कहा है, मुझे सच में नहीं पता है। और वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक है, कहीं चली गई होगी, हमें कैसे पता चलेगा? प्लीज हमें माफ कर दो, हमें सच में नहीं पता। कितना भी छुपा ले, कितना भी छुपा ले, ज्यादा वक्त नहीं है तुम लोग के पास। अरे उसको कैसे भी ढूंढ के निकालूंगा मैं। मेरे बहुत सवाल के जवाब देने तेरी बहन को, समझी? हट। लगता है गोम्बी सही कह रहे, रावी को उस मामी और अनीता ने फंसाया है, और वो सच में कहीं गायब है। मुझे उसे ढूंढना होगा, न जाने किस हाल में होगी वो। कैसे ढूंढू कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप माँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। डरने वाला कोई काम किया है? अरे नहीं नहीं माँ, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। वो बचाया ना मैंने शिवा को जेल से। इतनी डरी हुई क्यों? अच्छा काम किया फिर से। थैंक्स पटरानी। बस माँ, 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 ये छिपकली कहीं दिख नहीं रही है। क्या तूने कॉल करने की कोशिश की? अरे कब से ट्राई कर रहा हूं, मुझे ना पूरा शक है मामी ने कहीं छुपा के रखा इसको। एक मिनट, तूने अभी कहा कि उसका फोन लग रहा है, मतलब हम उसे ट्रेस कर सकते हैं शिवा? ये सब उस कागड़ी का किया धरा है। धरती का बोझ पागल ढोर
हे सोमनाथ, एक बार मुझे इस जन्म में एक खून, बस एक खून माफ कर दे, खून माफ कर दे, तू मुझे गन दे दे, मैं उसका खून कर देती हूँ। अरे माँ, मामी की जान बाद में लेना, अभी तो हमें रावी का पता लगाना है ना। माँ, अगर भाभी बोल रही है ना हम रावी को ट्रेस कर सकते हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं। चलो। एक मिनट, मेरे पास एक बंदे का नंबर है, काम हो जाएगा। चुलबुली पांडे बन के क्यों घूम रही हो? ये तो तुझे बचाने के चक्कर में ये गेटअप लेना पड़ा, बट इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। कैसे रह लेते हैं पुलिस? बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आपके घर से ही आ रही है। भाभी के पास बच्चा है और मैंने पोस्टर, इसका मतलब भाभी घर पे? भाभी घर पे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर जब से मैं आई हूँ ना तब से एकदम अजीबोगरीब चीजें हो रही है। ये खाट मुझ पे गिर गया, उसके बाद में किचन में बनी हुई खिचड़ी पड़ी है जैसे कि अभी बनाई है गरम गरम, और कोई घर में तो था ही नहीं, फिर किसने बनाई? और अभी बच्चे की रोने की आवाज, आई थिंक देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। खाली पड़ा है, सुमसाम पड़ा है, तो चुड़ैले और पिशाच डेरा डालेंगे ही ना। यहाँ से आ रही है, मैं देखता हूँ। शिवा संभाल के, इंसान तुझसे डरते, भूत नहीं। अरे भाभी टेंशन क्यों ले रही हो, जब सर पे हाथ है भोलेनाथ का तो डर किस बात का, अब मैं अभी देख के आता हूँ। अरे माँ कुछ नहीं होगा, देख तू। भाभी कोई बात नहीं, शिवा नाम है, कुछ नहीं होगा। चुप हो जा तारा, कोई आ जाएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मा की अच्छी बच्ची है ना, तो फिर रोते नहीं। हाँ कोई आएगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, प्लीज मत रो बच्चा, प्लीज मत रो, प्लीज तारा, प्लीज चुप हो जाना। क्या हो गया तुझे, इतना क्यों रो रही है तू? हाँ देख तारा, अगर तू चुप नहीं हुई ना तो ये सब लोग तुझे ढूंढ लेंगे और तुझे मुझसे दूर ले जाएंगे। तुझे मम्मा के पास रहना है ना, हाँ तुझे नहीं जाना ना मम्मा से दूर। मम्मा भी अपनी तारा को अपने आप से अलग नहीं करना चाहती है। चुप हो जा मेरी पंछी, चुप हो जा मेरी दुलारी। क्या कर रहे हो भाभी आप, क्या कर रहे हो उस बच्चे के साथ? आपके दर्द का एहसास हम सबको है, आप पे क्या बीत रही हम सब जानते हैं, पर उस मां का भी तो सोचो जिसने उस बच्चे को पैदा किया। ऐसे किसी और के बच्चे के साथ भागना गलत है भाभी। कहीं भाभी पे चोरी का इल्जाम तो नहीं लग जाएगा? जिससे पहले ये पुलिस वुलिस का कांड होना, भाभी को ढूंढना पड़ेगा। भाभी को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, और उस छिपकली को भी।
समझे ना समझे, पर मुझे लगा था तू मुझे समझेगा शिवा। देख देख तारा, ये तेरे शिवा काकू ना वैसे तो मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं इन्हें भी कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी तारा को मुझसे दूर करना चाहता है ये भी। हो क्या गया सभी घर वालों को? जब बच्चा होने वाला था तब तो बड़े खुश थे कि बच्चा आने वाला है घर में, और आज जब मेरी तारा मेरे पास है, मेरे साथ है, सब इसे मुझसे दूर करना चाहते। पर मैं अपने बच्चे को अपने आप से अलग कभी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अरे भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? अरे बहन ये देखो, ये मेरी बेटी रावी है, ये ना मिल नहीं रही है, मुझको गायब हो गई। आपने इसको कहीं देखा है? अरे इधर मोहल्ले में आसपास कहीं देखा हो? बहन ध्यान से देखो ना। नहीं, पक्का इसको नहीं देखा? नहीं देखा। अरे भाई सुनो, ये मेरी भाभी, इनको कहीं देखा? और ये मेरी बीवी है। सॉरी। देखा क्या आपने इसको? कहीं देखा क्या? नहीं। अरे भाई भाई थोड़ा ध्यान से देखो ना, शायद आगे पीछे कहीं इधर उधर देखा होगा, ध्यान से देखो ना। नहीं देखा। काका। हाँ बेटा। आपने इनको कहीं देखा? ये मेरी भाभी है। नहीं। और ये मेरी बीवी है। नहीं है। क्या तेरी बीवी गायब हो गई? अच्छा हो गया बेटा, भाग गई तेरी बीवी, वरना मेरी बीवी तो 40 साल हो गए अभी तक अपने मायके जाने को तैयार नहीं है। क्या बोलूं, उम्र में बड़े हो। अरे भाई सुनो ना, ये मेरी भाभी, इनको कहीं देखा आपने? नहीं भाई। और ये मेरी बीवी? अरे नहीं भाई। अरे भाई अक्रेश यार, आनंद नगर छाड़ लिया, भाभी कहीं नहीं है। अभी मैं विजयनगर जा रहा हूँ, तू और गोमी राजेंद्र नगर ढूंढो। अक्रेश मेरा दिमाग मत खा यार। दुकान में आके पैसा ले ले। मारो भोगी लाल। अरे भाई क्या दिन दिखा रहा है मुझको, मेरी इसकी चाबी कहाँ गायब हो गई? चाबी। अरे भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं। हेलो भाभी, आपको रावी के बारे में कुछ पता चला? नहीं शिवा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आप कहाँ ढूंढू धारा भाभी और रावी को? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।